Hello everyone, today we will solve from question number 24 of exercise 15A class 9 RS Agrawal Math. इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 23 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन 24 इज द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ. डेप्थ से मतलब गहराई यानी कि हाइट है ना. ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर. यहां हमें क्या गिवन है, एल प्लस बी प्लस एच गिवन है 19 सेंटीमीटर. एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 15 सेंटीमीटर. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. चलिए करते हैं. तो हमें जो जो गिवन है लिख लेते हैं. पहला तो गिवन है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इन तीनों का सम हमें गिवन है 11 था कितना 24 19 सेंटीमीटर. इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया. ओके, एल प्लस बी प्लस एच यानी कि सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ. डेप्थ मीन्स हाइट, ये दे रखा 19. और क्या गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल. लेंथ ऑफ डायगोनल वो हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होती है क्यूबॉइड की, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना. अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हमें किसके इक्वल दे रखी है, 11 सेंटीमीटर के लिए. इसका अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, रूट रिमूव हो जाता है, हट जाता है. तो क्या बचा, एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 11 का स्क्वायर तो अच्छे से याद होगा आप लोगों को, है ना. 11 इंटू 11 कितना होता है 121. इसको एक नई इक्वेशन मैंने दे दी, इक्वेशन सेकेंड. हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. उसके लिए हम क्या करें, होता क्या है, 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल होता है. तो वो कंडीशन लानी, कैसे आ सकती है, वो यहां से आ सकती है. थ्री टर्म्स का स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसमें आता है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca. तो क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर करो. ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड. ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन वी गेट क्या, एल प्लस बी प्लस एच, तो यानी कि एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहां दे रखा है 19 यानी कि 19 का होल स्क्वायर. क्लियर, यहां तक तो आपको समझ में आ गया. अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, एक क्लास बनना पड़ी है. टू और ब्रैकेट में क्या, एल बी प्लस बी एच, बल्कि ये तो आइडेंटिटी आपने नाइन्थ में ही पढ़ी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है टोटल सरफेस एरिया. ये हमें फाइंड करनी है. 19 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ये होता है 361. अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कहां से आएगी, वो सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इसकी वैल्यू पुट कर दो, जो किसके इक्वल है 121. तो यहां आ गया 121 प्लस ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल 361. ब्रैकेट में लिख दो ये वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. ओके, तो बस आ गया ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. 121 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे. 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2. और ये क्या होता है, यही सरफेस एरिया होता है. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है क्या है, मतलब कोई क्यूबॉइड ही था शायद, क्वेश्चन नंबर 24, हाँ क्यूबॉइड. तो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसका हो गया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर.
ये तो था फॉर्मूला 2LV प्लस VS प्लस H, वो हमने निकाल लिया, ये किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, तो आंसर हो गया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 24 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट के चारों पांचों क्वेश्चन अच्छे हैं। द क्वेश्चन 25 इज, ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, क्यूब की सभी साइड्स को 50% इंक्रीज कर दिया, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हमें बताना कितना परसेंटेज वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं क्या, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² वेयर a इज द एज ऑफ क्यूब। चलिए करते हैं इसको। अब क्या है, इस क्वेश्चन में हमें क्यूब की साइड्स एज नहीं दे रखी, एज है ना, तो पहले मान लेते हैं। अब ये दिमाग में तक क्या माने, आप चाहे एक्स मानो, ए मानो, 100 मानो, 1 मानो, कुछ भी मानो, सबसे आंसर आता है 100 मान के, थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को 100 मान के करता हूँ, है ना, लेट एक्स मान के, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर आपको एक्स मान के चाहिए तो मैं उसकी एक अलग सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, है ना, जिसको भी चाहिए तो कमेंट कर दे। चलिए करते हैं 100 मान के। लेट ईच एज क्या मान के कर रहे हैं, 100, लेट ईच एज ऑफ क्यूब वी 100 यूनिट, हमने मान ली इसकी 100 यूनिट की एज है। बात चल रही है सरफेस एरिया की, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा इस कंडीशन में, जब एज 100 है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² ए क्या है, साइड्स यानी कि एज, 6 और 100 का स्क्वायर, तो 6 × 10,000, तो ये आ गया 60,000 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब क्या है, 50% इंक्रीज हो रही है, तो न्यू एज क्या हो जाएगी, या ऐसे लिख लो, आफ्टर 50% इंक्रीजेस, न्यू एज W है, ये E है, 100 थी, 50% 100 मानने से ही फायदा होता है, हमें 50% निकालने की जरूरत नहीं है, 100 का जितना ही परसेंट का वही होता है, तो 100 का 50% 50 हो गया, तो 100% तो थी, 50 इंक्रीज हो गई, तो न्यू एज कितनी होगी, 150 यूनिट। तो अब न्यू सरफेस एरिया क्या हुआ, 6a² इसमें लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो न्यू सरफेस एरिया मतलब न्यू सरफेस एरिया निकलेगा, न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² ए का मतलब 150 × 150 225 होते हैं, 225 और दो जीरो, ये 6 का मल्टीपल कर दूं, 0 0 तो ही 6 5 30 कैरी 3, 6 2 12 और 3 15 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13, तो 135,000 स्क्वायर यूनिट हो गया न्यू सरफेस एरिया। पहले था 60,000, अब हो गया 135,000, तो इंक्रीज कितना हुआ, पहले अगर कुछ चीज मान लो 20 थी, फिर हो गई 28, तो कितनी इंक्रीज हुई, 8 कैसे निकाला, आफ्टर इंक्रीजिंग जो है 28 उसमें से ओरिजिनल को सेपरेट कर दिया, तो हमें कैसे पता चला कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, जो बढ़ने के बाद इतना है, इसमें से 60,000 को माइनस कर दें, यह निकलेगा इंक्रीजेस इन सरफेस एरिया, तो निकाल लीजिए इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया, तो बढ़कर हो गया 135,000, शुरू में था ओरिजिनल जिसे बोलते हैं 60,000, 75,000 इंक्रीज हो गया, इतने स्क्वायर यूनिट सरफेस एरिया में इंक्रीजिंग हुई। परसेंटेज इंक्रीजेस पूछी है, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीजिंग इनटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी कि शुरू में था 60,000, से ये आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वो ये 75,000 इनटू 100 फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया वो है 60,000, 1 2 3 1 2 3, और एक जीरो से ये एक जीरो और कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 3 2 6 और 3 से 25 बार, और 2 1 2 5 जा 25 × 5 125,
तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ इसका सरफेस एरिया, 120% इंक्रीजिंग कितनी है, 125% उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। कब, जब हमने साइड्स को एज को कितना इंक्रीज करा था, 50%। ये अभी अच्छा क्वेश्चन थे, आज के जितने भी क्वेश्चन सब अच्छे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है। 24, 25 दो क्वेश्चन करिए हमें, ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार अपने आप करके देखना, तब ये आपसे समझ में आएंगे, है ना। 24 इससे पहले इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 24 देखिए ये गया पूरा। फिर हमने करा 25, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और नेक्स्ट 26 वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26, एंड द क्वेश्चन 26 इज, क्वेश्चन है, इफ वी इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन ए बी सी, यानी कि इसकी लेंथ विथ हाइट हमें ए बी सी के फॉर्म में दे रखी है, एंड एस इज द सरफेस एरिया, देन प्रूव दैट 1/v इज इक्वल 2/s, इक्वल होगा 1/v इक्वल होगा 2/s इन ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये हमें बी से रिप्रेजेंट कर रखा है, होता भी है, और सरफेस एरिया दे रखा है हमें क्यूबॉइड का एस, बस यहां चेंज है। तो क्या है, लेंथ जो हमें दे रखी है जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ए दे रखी है, विड्थ जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं बी दे रखी है, और हाइट वो हमें दे रखा है सी। ओके, तो देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया 2lb प्लस bh प्लस hl, सरफेस एरिया क्या होगा इस हिसाब से, 2l की जगह हम क्या रिपीट करेंगे, क्योंकि लेंथ हमें a दे रखी है, b की जगह b है, h की जगह c है, और l की जगह a है, तो ये तो हुआ सरफेस एरिया, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है l इंटू वी इंटू एच, तो वॉल्यूम क्या होगा, l की जगह a, विड्थ की जगह b, h की जगह a b c, ये हो गया इसका वॉल्यूम, ये इक्वेशन हमने डाल दी सेकेंड, बस हो गया सवाल। अब हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, वाई इक्वेशन सेकंड, वी गेट, तो एस अपॉन वी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, फर्स्ट की 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी एच प्लस एच एल डिवाइडेड बाई ए बी सी। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि s अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन में एबीसी का, होता तीनों टर्म के नीचे एबीसी है, तो ए बी अपॉन एबीसी, ये मैंने h क्यों लिख दिया, h की जगह तो और कुछ था, h की जगह था c, है ना, मैं बी एच लिख दिया, गलत लिख दिया, बी सी और सी ए, हाइट तो उसकी क्या है c, और फिर गड़बड़ कर दिया, l की जगह सी ए, ये सी ए है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा ये बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहां देख जाएगा ये है बी सी, यहां मैंने सबसे लिख दिया ए बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी, यहां तक क्लियर। तो ये हो गया सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्वाइस, देखो ए बी सी ए बी कैंसिल हो गया, क्या अच्छा 1/c, बी सी से बी सी कैंसिल तो 1/a, सी ए से सी ए कैंसिल तो 1/v, तो एस या 1/v इक्वल टू क्या होगा, एस को लिया इधर क्योंकि प्रूफ में करवाया है, एस यहां पर है 2/s, अब 1/a वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, एडिशन में हम a प्लस बी प्लस सी लिखे हैं, b प्लस सी प्लस a, इससे कोई फर्क नहीं है, तो यही हमें प्रूव करवाया था कि प्रूव डेट 1/v इज इक्वल 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 26। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एंड द क्वेश्चन इज वाटर इन कैनल 30 decimeter वाइड एंड 12 decimeter डीप, दोनों डेसीमीटर में रखी है, इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 km/h, ये देख के रखा है, वाटर इन कैनल इतने मीटर वाइड चौड़ाई विड्थ दी रखी है, इतने मीटर डीप गहराई से मतलब हाइट है ना, कैनल की शेप होती है क्यूबॉइड की, तो हमें विड्थ मालूम है और हाइट मालूम है, लेंथ नहीं मालूम,
लेंथ यहां दे रखी है, इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यहां से हम लेंथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आगे बताएंगे। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितना एरिया की सिंचाई हो जाएगी इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। अगर 9 सेंटीमीटर हाइट जो पानी की सिंचाई होती है, रेनफॉल होता है, तो उसकी पानी जैसे हम सतह पर पानी भरते हैं तो कितने ऊंचा भरेगा वो, उसकी हाइट मानी जाएगी पानी की सिंचाई की, तो यहां पर हाइट आएगी 9 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या हो गया समझ में आ गया। वाटर इन कैनल 30 डेसीमीटर पाए 12 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। ठीक है, इसमें टाइम देना चाहिए थे कि इतने समय में कितनी सिंचाई हो जाएगी। चलिए हम करते हैं इसको। अब यहां देखो टाइम नहीं दे रखा कि कितने टाइम में, है ना, टाइम यहां मस्ट होना चाहिए था। तो अब यहां आपका आंसर जो दे रखा 30 मिनट्स पर निकाल दिया है, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, है ना। तो आप या तो 1 आवर में निकाल लो, या आपको आंसर चाहिए तो पीछे आंसर देखोगे उन्होंने 30 मिनट्स के लिए निकाल रखा है, तो मैं 1 आवर्स के निकाल लूँ, क्योंकि हमें रखना नहीं है समय जो भी देगा। क्या होता है क्वेश्चन में दिया होता है, इसमें प्रिंट होना रह गया, हो सकता है आपके पास पुराना एडिशन हो, तो हो सकता है लेटेस्ट एडिशन है आरएस अग्रवाल का मेरे पास जो है इस बार 21-22 के लिए, है ना। तो क्वेश्चन में क्या था दोबारा सुन लो, वाटर इन अ कैनल 30 डेसीमीटर वाइड, तो जो विड्थ दे रखी है, चलो लिखते चलते हैं फिर डिस्कस भी करते चलेंगे, ठीक है ना। विड्थ ऑफ कैनल 30 डेसीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको टेबल याद होना चाहिए, मीटर के बाद ही डेसीमीटर आता है, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें, जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर, 10 से डिवाइड करोगे तो 3 मीटर। क्लियर, ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसे। अब विड्थ निकलाई और आगे क्या दे रखा है इसमें, 12 मीटर डीप यानी कि गहराई, जिसको हाइट बोल देते हैं डेप्थ, वो हमें दे रखी है 12 डेसीमीटर, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब वाटर इसमें टाइम नहीं गिवन है ना, टाइम देना चाहिए, उस हिसाब से इसका लेंथ निकालते थे कि कैनल का मान लो 1 घंटे का पूछा है तो L इंटू V इंटू H वॉल्यूम होता है, क्यूवर्ट की सेप होती है ना, ये लेंथ हो गई, सॉरी विड्थ हो गई, ये डेप्थ हो गई यानी कि हाइट हो गई, और लेंथ चाहिए, लेंथ आती है वाटर फ्लो से, जो कि हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, वाटर फ्लो दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। मैं यहां लिख देता हूं वाटर फ्लो 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से लेंथ आती है, अगर यहां समय दिया होता 1 घंटे, तो 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है 20 किलोमीटर, तो 1 आवर के लिए लेंथ हो गई 20। अगर आपको आंसर चाहिए, आंसर उन्होंने आधा घंटे के लिए निकाला है, हाफ आवर के लिए, तो मैं टाइम चलो हाफ आवर लाके कर रहा हूं। तो इसका स्पीड का मतलब कितना, 60 मिनट में जा रही है 20 किलोमीटर। पहले तो चलो स्टेप बाय स्टेप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें, 1 किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, इतने मीटर पर आवर। और इसको भी अगर मैं पर मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो 60 से डिवाइड कर दूं, तो ये हो गया मीटर पर मिनट। 1 मिनट, अगर 1 मिनट का पूछता 1 मिनट में कितना खेत को सिंचाई हो जाएगी, तो 1 मिनट के लिए लेंथ होती है। अब 30 मिनट्स की निकालने हैं तो 30 मिनट्स में क्या समझ में आ गया, 30 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो लेंथ ऑफ वाटर ऐसे लिख दूं, चलो मैं समझाने के लिए आपको, लेंथ ऑफ वाटर इन कैनल या इन कैनल 30 मिनट्स, जितना टाइम कहेगा उतने समय में इसका फ्लो निकाल लो इन 30 मिनट्स। मैं आंसर मिलाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, टाइम मस्ट है, पैसे नहीं निकाल सकते हम जब तक पूछ नहीं कितने मिनट में या कितने घंटे में कितने सेकंड, जो भी समय देना चाहिए, तो हमने अपनी तरफ से 30 मिनट्स मान के कर लिया, क्योंकि उन्होंने जो आंसर दे रखा है 30 मिनट के हिसाब से रखा है ना। आप बनार के लिए निकालो डबल हो जाएगा, तो चलो कितनी हो जाएगी, अब 30 मिनट्स में 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 20,000 इंटू 30, 0 से 0, 3 से ये 2 बार, 2 से कैंसिल, तो 10,000 हो गया, 10,000 मीटर पर 30 मिनट्स ही फ्लो हो गया, यानी कि 30 मिनट की जो लेंथ लगेगी वो लेंथ की जगह ये यूज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया इन 30 मिनट्स, जो नहर से वॉल्यूम जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स हमने नहर से पानी लिया, तो कितना L इंटू V इंटू H, L की जगह आएगा ये, कितना
10,000, विथ जो डेप्थ दे रखी है 3 और हाइट दे रखी है 1.2, तो 3 इंटू 1.2 पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36, 1 2 3 1 2 3, इतने क्यूबिक मीटर। अब आप ये समझो, एक खेत है, फील्ड है, इतना पानी गया तो इस खेत में जितना ही पानी गया उसका वॉल्यूम तो ये रहेगा, क्योंकि इसी तो हम सिंचाई कर रहे हैं। और पानी की हाइट इसमें जब हमने फिल कर दिया तो हमने देखा पानी की हाइट दे रखी है कि इसमें कितना ऊंचा पानी भरा, वो दे रखा है हाइट ऑफ वाटर 9 सेंटीमीटर। तो अब लिख देते हैं हाइट ऑफ वाटर इन फील्ड, इज 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि सब मीटर में है, तो 9/100 मीटर। अब ये सारा का सारा पानी आ गया, तो पूछा है कितना खेत की सिंचाई हो गई, हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट। हमने मान लिया लेट एरिया इरिगेटेड बी एक्स स्क्वायर मीटर। एरिया होता क्या, देखो लेंथ इंटू वी और हाइट आ गई, तो एल इंटू वी और उसकी हाइट, देखो वॉल्यूम तो हो गया पानी, अभी होता है तो एल इंटू वी की जगह हमें एक्स रख देना है और हाइट की जगह ही रख देंगे, तो यानी कि एक्स इंटू 9/100 किसके इक्वल होगा, जो नहर से पानी आया है वो कितना है, 36,000। तो एक्स निकलाया, एरिया कितना इरीगेट हुआ, 36,000 इंटू 100/9, 9 से ये 4 बार कैंसिल, तो कितना हो गया 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 40 लाख स्क्वायर मीटर इरिटेट हुआ, ये इसका आंसर दे रखा है। तो आंसर आपको समझ में, टाइम क्वेश्चन में प्रिंट नहीं है, हमने हाफ आवर यानी कि 30 मिनट्स मान के निकाला है, आप पर आवर से निकालते हैं उसका डबल हो जाता है जस्ट, है ना, 80 लाख। तो आंसर हो गया, क्या पूछा था इसमें कि हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड, तो लिखोगे 40 लाख था ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ ये होगा 4 लाख स्क्वायर मीटर एरिया विल बी, समझ में आ गई बात, बस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, इसमें टाइम गिवन नहीं है, टाइम देखा दिया होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो हमने आंसर देख के पीछे दे रखा है कि 30 मिनट्स के लिए निकाला है इसलिए, वरना आप अगर 1 आवर के लिए निकालेंगे तब भी आपका सही माना जाएगा, हो सकता है आप 1 मिनट्स के लिए निकालें तब भी सही है, क्योंकि आपने 1 मिनट के लिए निकाल दिया है ना, क्योंकि टाइम इसमें गिवन नहीं है। लव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 28, एंड द क्वेश्चन 28 इज, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 9 मीटर बाई 8 मीटर बाई 2 मीटर, यानी कि लेंथ है ये, विड्थ है हाइट, इज मेल्ट एंड रिकास्ट इन टू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज 2 मीटर। इस क्यूबॉइड को जिसकी डायमेंशन ये देखिए, इसको मेल्ट करा, मेल्ट करके हमने क्यूब बनाया जिसकी साइड्स क्या दे रखी है 2 मीटर, तो फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। बहुत सारे सवाल करती है, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होता है, जिसको मेल्ट करा है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉलिड यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई जो बनाया है रिकास्ट के बाद, क्या क्यूब वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, सो ये आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं फटाफट, तो यहां लिख दो नंबर ऑफ क्यूब, क्या होगा, किसको रिकास्ट करा है, क्यूबॉइड को, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो फॉर्मूला बस हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू वी इंटू एच, लेंथ दे रखी है 9 मीटर, विड्थ दे रखी है 8 मीटर, हाइट दे रखी है 2 9 इंटू 8 इंटू 2 करके दे रखा है ना, 9 बाई 8 बाई 2 मीटर का, और क्यूब की साइड एज दे रखी है 2 मीटर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, वॉल्यूम ये तो था 2 साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो भी करा 2 से ये 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, 2 बन जा 2 2 जा और 9 2 जा 18, तो कितने क्यूब्स बनेंगे, 18 क्यूब्स फॉर्म होंगे, किससे बनेंगे, ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ 9 मीटर हो, विड्थ 8 मीटर हो और हाइट 2 मीटर हो, इसको मेल्ट करके हम 2 मीटर के कितने क्यूब बना सकते हैं, 18 क्यूब। तो आज ये एक्सरसाइज
15A आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 15B स्टार्ट करेंगे जो कि सिलेंडर पर बेस है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। और प्रेस जरूर करें बेल आइकन को, प्रेस करना ना भूलें क्योंकि आगे जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल पहुंच जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।